इसराइल पर ईरान के हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने इसराइल में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने इस अलर्ट में कहा है, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अगली सूचना तक ग्रेटर तेल अवीव, यरूशलम और बियर सेवा क्षेत्रों के बाहर व्यक्तिगत यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम जमीनी स्तर पर स्थिति के बारे में हर समय आकलन करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं उन विशिष्ट आकलनों पर बोलने नहीं जा रहा जिनके चलते हमें अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की निजी यात्रा को प्रतिबंधित करना पड़ा, लेकिन स्पष्ट रूप से हम मिडिल ईस्ट और विशेष रूप से इसराइल में खतरे के माहौल की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल को ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने मजबूती से इसराइल का साथ देने का वादा किया है। ईरान और इसराइल के बीच हालिया तनाव की बात करें तो पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। वहीं इसराइल ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर ईरान अपनी जमीन से हमला करता है तो इसराइल भी ईरान पर हमला करेगा। इसराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बना रहा है। दरअसल ईरान गजा और लेबनान में इसराइल से लड़ने वाले चरमपंथी समूहों का समर्थन करता है। ऐसे में गजा में इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के खतरों के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दृढ़ है।